नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का वीडियो जल्दी यूट्यूब पर देख लीजिए नहीं मिलेगा। दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आप 1000 स्क्वायर फुट में पहला मंजिल घर बना रहे हैं, यानी कि दोस्तों फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, तो आपका टोटल कितना खर्चा होने वाला है? आप बोलिएगा ये तो वीडियो अवेलेबल है। नहीं दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर का अवेलेबल है यूट्यूब पर, फर्स्ट फ्लोर का नहीं अवेलेबल है, जिसमें हम A to Z बिल्डिंग मटेरियल पे बात की, एस्टिमेट कॉस्ट पे फुल डिटेल्स में। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखिए। चलिए कंटिन्यू, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लोर अगर आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर के कंपेयर में आपका कम खर्चा होता है, ठीक है, कम खर्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें फाउंडेशन बनाना पड़ता है, ठीक है, और साथ साथ आपका टोटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें कॉलम बीम स्लैब सब आ गया, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बना रहे हो, तो इसमें आपका फाउंडेशन का खर्च नहीं लगेगा। और फाउंडेशन का खर्च अगर नहीं लगता है तो आपका टोटल कॉस्ट में से फाउंडेशन का कॉस्ट घट जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम सीमेंट का बात कर ले, तो सीमेंट आपका टोटल 350 बैग लगेगा, ठीक है। अगर एक बैग सीमेंट का कीमत का अगर बात कर ले तो 400 रुपया, उसके अनुसार आप जब गुना करेंगे 350 बैग सीमेंट में 400 रुपया के अनुसार एक बैग का कीमत, यह 1,40,000 रुपया होगा, ठीक है। इसमें फाउंडेशन का माइनस करके हम मेटल और कॉस्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर बनाना, और फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए फाउंडेशन पहले से बना रहना चाहिए। उसके बाद हम फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर हम बात कर लेंगे सैंड का, यानी बालू का, रिवर सैंड, ठीक है। तो यह आपको 980 CFT लग जाएगा, क्यूबिक फुट, ठीक है। फाउंडेशन का इसमें नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन बना रहेगा तभी फर्स्ट फ्लोर हम बना सकते हैं। 60 रुपया ऑल ओवर इंडिया का रेट लेके चल रहे हैं, हमारे बिहार में ऐसे 85 रुपया से 90 रुपया 1 CFT का पड़ रहा है, ठीक है। जब गुना कर लीजिएगा 980 को 60 रुपये के अनुसार, तो यह होने वाला है 58,800 रुपया, ठीक है। अब तीसरा नंबर में बात कर ले एग्रीगेट, यानी कि गिट्टी का, खड़ी का, ठीक है, तो 900 CFT आपका लग जाएगा क्यूबिक फुट। और रेट का बात कर ले ऑल ओवर इंडिया का, तो 65 रुपया 1 CFT का, 1 क्यूबिक फुट का है, तो 900 CFT यानी क्यूबिक फुट का होने वाला है 58,500 रुपया। अब अगर हम बात कर ले स्टील यानी सरिया का, चौथे नंबर में, तो यह दोस्तों फाउंडेशन में जो बीम और फुटिंग में जो लगता है उसको माइनस करने के बाद फाउंडेशन के ऊपर आपको जो सरिया लगने वाला है कॉलम बीम स्लैब में, वह 2100 kg लगने वाला है फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है। और 80 रुपया के अनुसार 1 kg का कीमत के अनुसार यह आपको पड़ने वाला है दोस्तों 1,68,000 रुपया आपका सरिया के ऊपर खर्चा होगा। 2100 kg को आप लोग 21 क्विंटल भी बोल सकते हैं, और टन्स में बात कर लें तो 2.1 टन्स हो जाएगा स्टील, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, इसलिए आप लोग को कंफ्यूजन रहता है, प्लीज़ पूरा देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। ब्रिक का बात कर ले तो 18,100 ब्रिक लग जाएगा फाउंडेशन का माइनस करने के बाद है, क्योंकि फाउंडेशन तो बनाना नहीं है, सॉरी केजी लिखा गया यहाँ पे। 9 रुपया ऑल ओवर इंडिया का एक ईंट का कीमत है, उसके अनुसार यह होने वाला है दोस्तों खर्चा ईंट के ऊपर 1,62,900 रुपया आपका ब्रिक यानी ईंट के ऊपर खर्चा होगा। मेन गेट ग्रिल का बात कर ले छठे पॉइंट में, तो 280 kg का है स्टील, 100 रुपया 100 kg 1 kg का लेता बनाने का, तो यह 28,000 रुपया आपका ग्रिल के ऊपर लग जाएगा। अगर और भी हैवी बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। अब डोर का बात कर ले सातवें पॉइंट में, तो डोर डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन और नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिलहाल हम अप्रॉक्स अगर बात कर ले 7 दरवाजे का, ठीक है, कॉस्ट का बात कर लेते हैं, 6,000 रुपया में बनल बनाया दरवाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। बट एक अच्छी लकड़ी का बनवाएंगे खुद से तो आपका 8,000 से 10,000 रुपया पड़ता है, लेकिन मार्केट में बनल बनाया दरवाज़ा 6,000 के अप्रॉक्स में मिल जाता है,
तो यह हो जाएगा 42,000 रुपया 7 दरवाजा के ऊपर। यह क्वांटिटी अगर घटेगा बढ़ेगा तो आपका जो कॉस्ट है उसमें भी वैरी करेगा, घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। हम आइडिया दे दिए हैं आपको, इतना लमसम लग जाता है। आठवें पॉइंट में बात कर ले विंडो यानी खिड़की, तो हम 10 विंडो का बात किए हैं, ठीक है। आपके डिज़ाइन के अनुसार और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यह नंबर खिड़की का घट और बढ़ सकता है। हम फिलहाल 5,000 एक खिड़की का पकड़े हैं, यह 50,000 रुपया आपका खिड़की के ऊपर जाएगा। फिर से बोल दे, जब आप नंबर बढ़ाइएगा या घटाइएगा अपने डिज़ाइन के अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो ये पैसा में भी वैरी कर जाएगा, ठीक है। एक खिड़की का 5,000 रुपया। पेंट का अगर बात कर रहे हैं 9वें पॉइंट में, तो पेंट यानी कि कलर जो करवा रहे हैं दीवार पे, तो देखिए अच्छा पेंट अगर करवा लेते हैं तो पुट्टी करवाने का इतना कोई मतलब नहीं रहता है नॉर्मल रेसिडेंटल बिल्डिंग में, फिर ठीक है। तो 140 लीटर पेंट लगेगा और कीमत एक लीटर का मान लीजिए 300 रुपया ले के चले, तो यह आपके पेंट के ऊपर 58,950 रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो आगे हम टाइल्स इलेक्ट्रिकल प्लम्बर लेबर का कॉस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखें, ठीक है। और हम बात कर ले 10वें पॉइंट में, तो टाइल्स है, तो बहुत लोग गांव में टाइल्स लगवाते हैं, बहुत लोग नहीं लगवाते हैं, केवल प्लास्टर से ही काम चला लेते हैं। तो अगर टाइल्स लगाना ही है तो यह टाइल्स का टोटल क्वांटिटी बाथरूम किचन ग्रेनाइट सब मिला के 1310 स्क्वायर फुट हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारा टाइल्स ऐड है, फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, बाथरूम किचन स्क्रीटिंग सभी टाइल्स ऐड है 1310 स्क्वायर फुट में। कॉस्ट का बात कर ले तो 45 रुपया 1 स्क्वायर फुट का टाइल्स का कीमत है, ठीक है। तो जब गुना करेंगे आप, तो देखिए 1310 गुने 45 रुपया कर दें तो 58,950 रुपया आ रहा है। तो टोटल आपका 58,950 रुपया टाइल्स के ऊपर खर्चा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल का बात कर ले, जो घर में वायरिंग वगैरह लगाते हैं तो उसमें मटेरियल और लेबर दोनों का है, ठीक है, मटेरियल प्लस लेबर का है। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर बात कर ले, जो घर में वायरिंग करवाते हैं तो एक अच्छा वायरिंग करवा रहे हैं, तो हमारे पास मान लीजिए 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाना है तो अप्रॉक्स 65 से 75 रुपया के बीच में लग जाता है मटेरियल प्लस लेबर। हम फिलहाल 70 रुपया ले कर चल रहे हैं, तो यह 70,000 के आसपास आपका वायरिंग के ऊपर खर्चा होगा, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों है। अब 12वें पॉइंट में बात कर ले प्लम्बर के, प्लम्बर बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन आप 2 बाथरूम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 बाथरूम प्लस किचन में प्लम्बर करवा रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट, तो आपका लमसम 50,000 रुपीज खर्चा हो जाएगा। अगर अच्छे करवा रहते हैं करवा रहे हैं तो, अगर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो 30,000 में होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे इसमें 2 बाथरूम प्लस टॉयलेट प्लस किचन है ऐड, ठीक है, 50,000 में प्लम्बर का। अब हम बात कर लें लेबर, लेबर कॉस्ट का, ठीक है। तो देखिए 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाना है 2023 में, पहला मंजिल, ठीक है, यानी फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो उसके लिए लेबर का अगर बात कर ले दोस्तों, यह 180 रुपया हम ले कर चल रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन इसमें बनाना नहीं है। फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए फाउंडेशन आपका ग्राउंड फ्लोर पे बनता है, ठीक है। तो अगर हमें फाउंडेशन भी बनाना रहता तो यह रेट हम आपको 220 रुपया लेते 1 स्क्वायर फुट का, ठीक है, पर स्क्वायर फुट का। लेकिन मुझे फाउंडेशन बना हुआ है तभी तो ऊपर हम पहला मंजिल घर बनाएंगे, ठीक है। तो 180 रुपया के अनुसार यह हो जाएगा 1,80,000 रुपया हो जाएगा। इसमें आपको दोस्तों प्लम्बर का लेबर का खर्च अलग से लगाना पड़ेगा, जो कि बता दिया, इलेक्ट्रिकल का अलग और टाइल्स का अलग। 180 में केवल स्ट्रक्चर और घर का आपको प्लास्टर करके देगा, ठीक है, प्लास्टर के बाद आपको और कोई भी चीज़ करके नहीं देगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात कर ले तो 200 रुपया कहीं कहीं लग सकता है। हम जो भी टोटल अभी तक बताए हैं
उसमें एक आधी लाख का अंतर हो सकता है कॉस्ट में। तो टोटल जब जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने के बाद दोस्तों यह होने वाला है, तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फर्स्ट फ्लोर का हो जाएगा 1000 स्क्वायर फुट में। आपका मटेरियल प्लस लेबर, ठीक है, तो मटेरियल का खर्चा आपका हो जाएगा 9 लाख, टोटल जोड़ने के बाद 9,29,150 रुपया, और लेबर का खर्चा हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं 9,29,150 रुपये मटेरियल और 1,80,000 रुपये, तो यह 11,09,150 रुपये आपका लगेगा। अगर हम बात कर ले दोस्तों कि पर स्क्वायर फुट विथ मटेरियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फर्स्ट फ्लोर ऊपर एक एक मंजिल बना रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन को छोड़ के, तो देखिए 11,09,150 रुपये, और हमारे पास टोटल कॉस्ट लिख देते हैं बटा टोटल एरिया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या था, 11,09,150 रुपये, और 1000 स्क्वायर फुट हमारा क्या था, एरिया था। जब भागा दे दीजिएगा 1000 से तो देख सकते हैं यहाँ 1109 रुपया, ठीक है, अप्रॉक्स आप 1110 रुपया ले कर चल सकते हैं। पहला मंजिल घर बना रहा है फाउंडेशन के ऊपर, एक एक मंजिल ऊपर ऊपर, तो इतना रुपया पर स्क्वायर फुट आपका लगेगा, ठीक है। साथ साथ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।